वोरासिटी, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हेयर, तो ये फॉन्ट स्टाइल आ गया। डबल क्लिक किया, इंस्टॉल किया, ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको एंजॉय करो, इसको आप यूज़ करो, बड़ा अच्छा फॉन्ट स्टाइल है। ये देखो एक ये भी आ गया ग्लिम्पस का, इसको भी मैं डबल क्लिक करके या इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँ, इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, ये नाम लिखा हुआ ना, पहला कौन सा था, वी ई आर एस, क्या नाम था, स्पेल नहीं याद, मुझे भी नहीं याद आ रहे, ये वी ए आर एस आई, याद रखा करो अभी, वी ए आर एस आई, सारा टीचर नहीं करना होता ना, सारा लड़के स्टूडेंट भी नहीं करना होता, ये देखिए कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा था, सारा सरने नहीं करना होता, प्लीज सी ए एम कैंपस, सी ए एम पी, या पर्सनल यूज, ये देखिए ये किसी खास जगह पे इस्तेमाल करेंगे, इसमें रेगुलर ही आता है, बोर्ड नहीं आता, तो समझ आ गई। अनस्पेश की वेबसाइट भी बताई है, उससे आप जो मर्जी कर। एक और चीज़ भी है, अभी अगर आपने पिक्चर लेनी है डा फोन कर, समझ आ गई इसकी, ये देखो रिकॉर्ड है बकायदा, आपको मिलेगी इंशाल्लाह। एक चीज़ और भी है कि अगर आप पिक्चर लेते हैं, जैसे मैं पिक्चर लेता हूँ वॉशिंग मशीन ले लेता, वॉशिंग मशीन पीएनजी, पीएनजी वो है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। इमेज पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे चैट में ये देखो वॉशिंग मशीन, और मैं एक मशीन ले लूँगा यहाँ पे, मशीन मेरे पास ये वाली है, ये मशीन है, जैसे इस मशीन क्लिक किया मैंने यहाँ पे आगे, इस पर राइट क्लिक करो, इस पर राइट क्लिक किया, सेव एज अ इमेज, गूगल से नेट से कैसे इमेज आपने डाउनलोड करनी है, सेव एज अ इमेज, ये बॉक्स आएगा, इसको आप सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, सेव कर दूँ। अब इसका ना बैकग्राउंड आता है पिक्चर का, ये पिक्चर अभी डाउनलोड हो जाएगी, इसका ना बैकग्राउंड आता है, ये पिक्चर आ गई मेरे पास, ये वाली, ये देखिए इसका बैकग्राउंड आएगा कैसे, मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लैक के ऊपर मैं लेके आता हूँ, प्लेस पे क्लिक करना आपने, डबल क्लिक किया, ड्रैग किया, आ रहा है ना बैकग्राउंड वाइट वाइट, ये आसपास का एरिया, तो आप इसको रिमूव करेंगे, हम फोटोशॉप में भी करते हैं लेकिन मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, रिमूव आर ई एम ओ वी, आ रहा ना रिमूव बी जी, रिमूव बैकग्राउंड, बी जी का मतलब है बैकग्राउंड है, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो यहाँ पे आ गए, मैंने जहाँ पे दो तीन वीडियो बनाए थे मैंने एक ही वीडियो में आपको ये कवर करके बता दिया। ये देखिए कैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, अपलोड इमेज जो आपने वॉशिंग मशीन वाली दी थी ना, ये वाली सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया, आप प्रिपेयरिंग अपलोड होंगी यहाँ पे, ये देखिए आप, इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ आपने सीखनी है। कुछ मैंने पहले सेंड की थी आपको सोफ़े वाली, ये वो सारा, उसका बैकग्राउंड नहीं था, रखा हुआ है शेप के ऊपर और आसपास लिखा हुआ है बेस्ट फर्नीचर, हाँ मैंने वो भी सेंड की थी ना मेरे ख्याल। अब देखो ये पिक्चर है ना, इसमें देखो फ़र्क क्या है, फाइल प्लेस, प्लेस भी क्लिक करके पिक्चर लेनी है अडोब इलस्ट्रेटर में, डबल क्लिक किया, ये देखो इम्बेड करेंगे तो ये चली जाएगी, बैकग्राउंड है इसका गली गली पड़ी है, समझ आ गई, तो इस तरह से आपने ये लिखे कर। अब समझ आ गई, तीनों वेबसाइट्स मैंने डिस्कस की आपको, कुछ और वेबसाइट्स भी हैं वो बाद में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे,
तो फ्लायर की बात करें तो फ्लायर पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे लेटर साइज लेना आपने इंचेस में, मैंने रात भी सेंड किया था इंचेस में दिया, लेटर साइज 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस, और इसको ओके कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ रेक्टेंगुलर पे क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे इस तरह से। फिर आप लाइट ब्लू कलर से करना है आपने, वहाँ पर शायद ना नज़र आया लेकिन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया, आउटलाइन मैंने नहीं दी। अब यहाँ पे आप क्लिक करके ना इसको लॉक कर देंगे, इधर ये लॉक हो जाएगा, अब ये तंग नहीं करेंगे हम। पेन टूल आप ले लेंगे, क्रॉस क्यू आ रहा है, कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो ये पेन आ जाएगा। क्लिक करेंगे पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और यहाँ पे ये पॉइंट आपने ड्रैग ऊपर की तरफ करना है, ऐसे ऐसे ड्रैग, यानी किसी तरीके से ये शेप आपने बनानी है ये ऐसे। ये देखिए ये शेप कुछ ज़्यादा होगी थोड़ी सी, क्लिक ड्रैग किया, ड्रैग करना है साथ ही, ये छोड़ दिया मैंने यहाँ, मेरे पास ये शेप आई है देखिए इस तरह से, दिखा देता हूँ ये शेप आई है, समझ आ गई। कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो वो ऐसा, इसके अंदर पिक्चर डालनी है हमने, ये सिलेक्ट है मेरे पास, फाइल पे जाके प्लेस पे ही क्लिक करके पिक्चर लेनी है। डेस्कटॉप ये डॉटर ले लिया, ड्रैग कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है, ये क्रॉस आ रहा है ना, इम्बेड करना है। जो शेप हमने बनाई थी पेन टूल के जरिए उसको ऊपर लेना है, ये वाली शेप है वो, इसको आप पकड़ के ऊपर ड्रैग करेंगे ना, यहाँ पे ये लाइन आएगी, छोड़ देना आपने शेप ऊपर आके, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करो और मेक क्लिपिंग मास्क कर दो, डबल क्लिक किया, ये देखिए सेट कर लेंगे पिक्चर, थोड़ा साइज कम करके पिक्चर ऐसे, ये देखिए फेस आ गया। इस डबल एरो पे क्लिक करेंगे दो दफ़ा तो देखिए गुलाई में शेप इस तरह, समझ आ गई यहाँ तक। फिर आप पेन टूल लेंगे, पेन टूल ले लिया, फिल नहीं होना चाहिए अभी, क्लिक किया पहला, यहाँ से क्लिक कर दें, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा, और ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे ऐसे, क्लिक करते ही ड्रैग करना है। इसका मैं मज़ीद बता रहा हूँ ना आपको, फिलहाल मैं बना लूँ थोड़ा सा, फिर आप बना लेना इसको। ये शेप आई है मेरे पास, इसका कलर चेंज करूँगा मैं, डार्क ब्लू नज़र आ जाएगा, लाइट ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी, ये लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, वहाँ पर नज़र, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आ रहा है। इसी की एक कॉपी और कर लेंगे, कैसे करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और आप एरो प्रेस करेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ और उसको कलर वाइट कर देंगे, इस तरह से बनेगा ये। कंट्रोल सी से क्या होता है, एडिट पे जाओ, कॉपी होता है, पेस इन फ्रंट, कंट्रोल एफ, फ्रंट पे चाहिए कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी ही करके